प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ऐसी बातें जो अभी आपको बताई जाएंगी, ये बातें आपको किसी भी शायद ग्रंथ में या किसी भी जगह और कहीं पर भी सुनने और समझने के लिए नहीं मिल सकती है। ये सारी बातें ना तो कोई साइंटिस्ट जानता है, ना तो कोई मनुष्य जानता है कि ये कैसे होता है, लेकिन ये सब बातें परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर स्वयं जानता है, क्योंकि करने वाला तो सिर्फ परमेश्वर ही है। क्योंकि डॉक्टर साइंटिस्ट तो ये तो सब अभी आए हैं, कुछ ही सदियों पहले, कुछ ही सालों पहले, और ये साइंटिस्ट भी आप जानते हो कि कितनी हद तक जा चुके हैं, लेकिन इनके जानने से पहले भी कुछ ऐसी बातें थी जो परमेश्वर ने मतलब करके रखी हैं। और जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो सच में बहुत हैरानी वाली बात है कि मनुष्य ने ये सारी बातें इतना लेट जानी है, लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अनंत काल का परमेश्वर है, जो सनातन परमेश्वर है, वो सबसे पहले ये सारी बातें पहले ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिख चुका था कि माँ के गर्भ में एक बच्चा कैसे पलता है, कैसे बड़ा होता है, और उसके बारे में परमेश्वर ने क्या गवाही दी है। डॉक्टर्स ये सारी चीज़ें जानकर भी हैरान होते हैं कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उसकी हड्डियाँ कैसे बढ़ती हैं, और बहुत कितनी सारी हड्डियाँ होती हैं उसके, और बच्चे के अंदर आत्मा कब समाती है। कुछ कुछ बातें डॉक्टर को मालूम है, कुछ कुछ बातें डॉक्टर्स नहीं जानते हैं, लेकिन ये सारी बातें ये मनुष्य की बुद्धि से बहुत परे हैं, जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मतलब लिखी हैं, अपने वचन के द्वारा बताई हैं, जिसमें मतलब आपको मालूम होगा कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है माँ के घर में, वो हाथ पैर चलाना लगता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है और पैदा होते के साथ ही माँ के स्तनों में से दूध निकल आता है, दूध आता है, और जैसे ही बच्चा दूध पीना छोड़ देता है फिर उसके बाद माँ के स्तनों में से दूध भी बंद हो जाता है। परमेश्वर ने एक कैसा सिस्टम बना रखा है, हर चीज़ का एक सही समय रखा है, सही टाइम टेबल है, क्योंकि ये सब चीज़ें मनुष्य के विचार से बुद्धि से परे है ना। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन इन चीज़ों को, इनकी गहराई को समझ नहीं सकता है, क्योंकि ये सब परमेश्वर की ओर से है। इनको समझने के लिए ना एक पिता और एक बेटे का बहुत अच्छा रिश्ता होना चाहिए, और परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को वचन में पहले ही लिख दिया है। ऐसे टाइम पर कोई साइंटिस्ट नहीं थे, परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों पर प्रकट करता था कि उसने कैसे शुरुआत करी है। जैसे शुरुआत की पुस्तकें बाइबल की, शुरुआत की 5 से 6 किताबें के नज़दीक परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता मूसा को बताया है कि परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि कैसे की, और परमेश्वर ने उनको क्या क्या आशीष दी, और शुरुआत में क्या क्या हुआ, ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने अपने दास मूसा पर प्रकट की थी। और एक वचन पढ़ना, कुछ वचन पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, जैसा कि लिखा है यर्मिया 1:5 में, परमेश्वर हमारे बारे में गवाही देता है, मेरे भाई और बहनों बहुत अनमोल और प्रतिष्ठित हैं उसकी नज़र में हम। लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। और परमेश्वर के अभिषेक ने कहा कि हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का ही हूँ, मतलब मुझे तो किसी बात की समझ नहीं है। और आगे लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू करेगा, तू उनके मुख को देखकर मत डरना, मतलब किसी भी शत्रु के मुख को देखकर नहीं डरना, किसी भी बात से नहीं डरना। परमेश्वर कहता है, हमें माँ के गर्भ ही से कहता आया है वो, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। और उसने माँ के गर्भ ही से हमें इतने सारे आशीष और इतने सारे अधिकार दे दिए हैं। और आगे लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, मतलब जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो परमेश्वर उसको छूता है, अपने हाथों से बुनता है, अपने हाथों से रचता है, और अपने हाथों से मतलब उसको क्रिएट करता है, उसको बनाता है, उसके अंग तैयार करता है। तो परमेश्वर ने लिखा है कि तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह के अंदर डाले हैं, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकार ठहराया है, उन्हें गिराने का और उन्हें ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। ये किसी शारीरिक मनुष्य के बारे में बात नहीं हो रही है, शारीरिक व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, ये गंदी दुष्टात्मों के बारे में बात हो रही है, जो गंदी आकाश की शक्तियाँ हैं, जो अधिकारी हैं, जो कमी घटी बीमारी परेशानी लड़ाई दंगा मौत एक्सीडेंट्स करवा देती है लोगों के जीवन में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, उन अंधकार की ताकतों से जो आसमान में है। उन गंदी शक्तियों को गिराने के लिए हमें अधिकार दिया है पिता ने, उनको ढा देने के लिए हमें अधिकार दिया है, ऐसी गंदी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, बुरी आत्माओं को नष्ट करने का अधिकार दिया है, काट डालने का अधिकार दिया है, और उन्हें खत्म करने का अधिकार दिया है। भजन संहिता 139:15 में, कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था,
तब मेरी हड्डियां तुझसे छुपी ना थी। मतलब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब हम बनाए जा रहे थे तो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। और लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। मतलब जब एक बच्चा बनता है ना, तो स्टार्टिंग में देखने मतलब आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस में, और जैसे अल्ट्रासाउंड होगा या कुछ ऐसी वीडियोस में देखा होगा जिसमें कुछ इमेजिनेशंस या कुछ ऐसे एनिमेशंस होते हैं कि मतलब एक बच्चे की शुरुआत में कैसा होता है, शक्ल कैसी दिखाई देती है। थोड़ा सा कभी कभी देखने में हल्का फुल्का डर लगता है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे उसका रूप बदलता है, तो उसका मतलब फेस एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है भयानक सा, तो इसी तरीके से लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। ये बातें कोई साइंटिस्ट नहीं जानता है, ये बातें सिर्फ परमेश्वर जानता है और परमेश्वर के लोग जानते हैं। और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत गहरी बातें हैं। साइंटिस्ट को ये बातें मालूम नहीं है कि मनुष्य के एक माँ के गर्भ में बच्चा कैसे बढ़ता है और उसका तत्व कैसा होता है, उसकी हड्डियाँ कैसे बढ़ती हैं, किसी ने नहीं देखा है। ये सिर्फ परमेश्वर जानता है, और मनुष्य के मतलब परमेश्वर के आत्मा में से उस माँ के गर्भ में उस बच्चे पल रहे बच्चे के अंदर आत्मा कब आती है, कैसे आती है, ये सब बातें परमेश्वर जानता है। और लिखा है, साफ बोलती है परमेश्वर ने कि तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को बनते हुए देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित लगाया है, तुझे चुन लिया है। अब सोच कर देखो, हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, हम उसके कितने नज़दीक हैं, लेकिन कई कई बार हमारे काम, हमारी हालतें, हमारी हरकतें उसको रुला देती हैं और उससे हमें दूर कर देती हैं। लिखा है ना कि कौन मुझे परमेश्वर से अलग कर सकता है, न धरती, न आकाश, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न अधिकार, न सामर्थ्य। कोई भी व्यक्ति कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक चीज है जिसके कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भी छोड़ दिया था। कहते हैं ना कि पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती। जब पूरे जगत के पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए थे, यीशु मसीह निष्पाप था, उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसने अपनी जान देने से पहले पूरे जगत के पाप अपने ऊपर ले लिए, जगत के श्रापों को और शैतान की चालों को अपने ऊपर ले लिया था यीशु मसीह ने। सब कुछ, हर एक जगत की बुराई को, जिसके कारण जगत नाश होने पर था, उस नाश होने को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और यीशु खुद मतलब क्रूसीफाई होकर, यीशु मसीह ने खुद अपनी जान देने के लिए तैयार हुआ, और जब क्रूस पे लटका हुआ तो उसने एक गवाही दी कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सिर्फ एक पाप है जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो सकते थे और दूर होते भी हैं, और वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हों और मेरे बच्चे मेरी आज्ञाओं से अनजान रहे। और परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हों या पाप करें या बुराई में जाएं, वरन मेरी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर ने साफ अपने बच्चों को आशीष दी है, आज्ञा दी है, माँ के गर्भ ही से जाति जाति पर भविष्यद्वक्ता ठहरा है, बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण किया है, ज्ञान के भंडारों से भरा है। और परमेश्वर ने अपने बच्चों को आशीष दी है। लिखा है उत्पत्ति का 12:2 में, तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर ने कहा है, बड़ी बड़ी आज्ञाएं दी हैं कि जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, जब तक मैं तुझको ना छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। लिखा है, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। ये भी लिखा है कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, देख मैं तेरे पास आता हूँ, तू अपनी नजरें उठाकर देख, मैं तेरे सामने हूँ, तेरे आस पास हूँ, तू अकेला मत समझ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, तू मेरी आज्ञा का पालन कर। वो बहुत प्यार करता है। ये सारी बातें कुछ जो माँ के गर्भ के अंदर परमेश्वर ने हमें किस तरीके से रचा है, कैसे बनाया है, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से हमारी आत्मा को कैसे जन्म दिया और हमारी आत्मा को हमारे शरीर के अंदर कैसे डाला माँ के गर्भ ही के अंदर, ये कोई डॉक्टर नहीं जानता है। ये आउट ऑफ द साइंस है जो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही था। तो इन बातों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको ये बताना चाहता है कि सच में आप उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। आपके लिए पूरे मिस्र को और कूश और सैवा को और पूरे संसार को बार बार फेंक देगा, उसका वायदा है। अगर आप उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं, तो उसके लिए आपको उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। यीशु उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित रहा, परमेश्वर के लोग उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित रहे। आपको मालूम होगा सदोम और अमोरा में से कितने लोग बचे, कोई नहीं बचा था, सिर्फ अब्राहम और अब्राहम का परिवार था। परमेश्वर की दृष्टि में अब्राहम अनमोल और प्रतिष्ठित था और पिता ने उसकी गवाही दी है। तो बस यही कहना चाहता हूँ मेरे लोगों, मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, और उसकी गहराई को समझने की कोशिश करना। हमारा परमेश्वर जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जिसने हम पर चित लगाया, हमें चुन लिया है,
और जाति जाति पर भविष्यद्वक्ता ठहराया है। उसने हमें सब कुछ हर एक सामर्थ्य अभिषेक से परिपूर्ण करके हमें माँ के घर में भेजा है और हमें धरती पर अधिकारी बनाया है, स्वर्ग का अधिकारी बनाया है। हमें कैसे जीना है उसने हमें सब बातें सीख जीने के लिए और मतलब किस तरीके से हमें अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए सब बातें हमें सीखने के लिए उसने हमें पवित्र शास्त्र दिया है, ये पवित्र बाइबल दी है, ताकि जिसके द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत करें और उसके अनुसार चलने पाएं। बस एक बार उसका दिल से धन्यवाद जरूर करना कि परमेश्वर तूने मुझे कितनी अद्भुत रीति से रचा है, तू मुझसे कितना प्यार करता है, तूने मेरी जरूरतों को पूरा किया है, तूने मुझे माँ के घर में गिरने नहीं दिया, तूने मुझे संभाल कर रखा, कोई बीमारी नहीं होने दी, कोई दुख तकलीफ कोई समस्या नहीं होने दी, कोई रोग नहीं लगने दिया प्रभु, तूने मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग कोई घटना नहीं होने दी जब मैं माँ के घर में था या माँ के गर्भ से लेकर अब तक, क्योंकि कहते हैं ना माँ के गर्भ में आने से लेकर जन्माने तक बल्कि जगत के अंत तक वो संभाल कर रखेगा। आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी बातें कि माँ ने बच्चे को पैदा होते ही मतलब अपने बच्चे को छोड़ दिया या फेंक दिया, और कई कई बार तो अबॉर्शंस, इन सब चीज़ों के परमेश्वर बहुत खिलाफ है, परमेश्वर इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर की आँख की पुतली है हम सब, और जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो निर्दोष होता है, एक निर्दोष की हत्या हमें बिल्कुल नहीं करनी है, गलतियां हो जाती हैं परमेश्वर हमें संभालता है, लेकिन जब हम इस बात को जान चुके हैं तो हमें इस बात से मतलब अनजान नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर की हाथों की रचना है, उसने हमें अपने स्वरूप और अपने रूप अपनी समानता में उसने रचा है, वो अपने आप को देखकर हमें रचता है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को, जय मसीह की। ये सभी वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे।